हर हर महादेव। दोस्तों सबको पता है कि सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये पौधा भी बहुत ही शुभ और पवित्र होता है, क्योंकि बेलपत्र का जो पौधा होता है वो महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए सावन के महीने में हमें बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और कुछ इस पौधे के नियम भी होते हैं दोस्तों, जब हम पौधा लगाते हैं तो जब तक हमारे सर से ऊपर वो पौधा नहीं निकल जाता, हम उस पौधे का पत्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ऐसे पौधे का पत्ता तोड़ने से हमें पाप लगता है। तो पौधा जब बड़ा हो जाए तभी उसका पत्ता हम तोड़ सकते हैं और महादेव जी को चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आज हम पार्क में बेल का पौधा लगाने के लिए आए हैं। मैं नर्सरी से बेल का पौधा खरीद कर लाई थी और मैंने सोचा, क्योंकि दोस्तों यहाँ मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पास में ही एक पार्क है उस पार्क में ये पौधा लगाने के लिए लाई हूँ। और दोस्तों मैं छोटा पौधा नहीं लेके आई, क्योंकि छोटा पौधा लगने के चांस कम होते हैं, तो मैं काफ़ी बड़ा पौधा लेकर आई हूँ और उसके लिए गड्ढा वड्ढा भी सब तैयार कर लिया है। अब हम वो पौधा लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है। तो हो सके तो दोस्तों आप भी बेल का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि सावन माह में बहुत ही अच्छा होता है और इससे महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो एक तो पौधा हमें अवश्य ही सावन माह में लगाना चाहिए, और हो सके जितने पौधे आप लगा सकते हैं उतने ज़रूर लगाएं। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय भोले बाबा की।